नमस्कार, मैं हूं प्रिया आसीजा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। गुरुवार को चौधरी सुरेंद्र सिंह की 17वीं पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान नगर में पहुंची पूर्व कांग्रेस सांसद श्रुति चौधरी ने पत्रकारों को भी संबोधित किया और नगर परिषद में हुए घोटालों पर बोलते हुए सरकार की आलोचना की। वहीं उन्होंने बर्खास्त पीटीआई के धरने को भी संबोधित किया। पूर्व कांग्रेस सांसद व वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्रुति चौधरी ने कहा कि भिवानी नगर परिषद में हुए भ्रष्टाचार को लेकर प्रशासन व भाजपा नेता चुप्पी साधे रहे। जल्द ही यह मामला विभिन्न सामाजिक संगठनों ने सड़कों पर तथा विधानसभा में किरण चौधरी ने उठाया, तब जाकर इस पर कार्रवाई हो पाई। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर वर्तमान सरकार गंभीरता से कार्रवाई नहीं कर रही, जिसके चलते नगर परिषद में हुए भ्रष्टाचार व्याप्त रहा तथा करोड़ों के घोटाले हुए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ऊपर तक मिली भगत के कारण कार्रवाई में देरी हुई है। यह बात उन्होंने आज भिवानी में चौधरी सुरेंद्र सिंह की 17वीं पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा को माल्यार्पण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। इस मौके पर पूर्व सांसद श्रुति चौधरी ने कहा कि चौधरी सुरेंद्र सिंह ने मात्र अपने 20 दिन के कार्यकाल के दौरान कृषि मंत्री रहते हुए किसानों के रेवेन्यू रिकॉर्ड को कंप्यूटरीकृत करने का काम किया। इसके अलावा उन्होंने जब भी लोकसभा व विधानसभा में पहुंचने का अवसर मिला तो लोगों की आवाज को बुलंद तरीके से उठाया। उसके चलते आज भी हरियाणा में चौधरी सुरेंद्र सिंह को सादगी से याद किया जाता है। इस मौके पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि आज रोजगार तथा शिक्षा हर क्षेत्र में प्रदेश पिछड़ रहा है। भाजपा सरकार जाति पाति व धर्म के नाम पर लोगों को बांटकर जीत दर्ज कर खुश हो रही है, जबकि सरकार का विकास से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। वहीं जो भी उनके संपर्क में आया, उनकी जो कार्यशैली थी, जिस प्रकार से वो काम करा करते थे, अकेले ही मुझे याद है किस प्रकार से, चाहे वो वर्कर हो, चाहे वो कोई अधिकारी हो, चाहे वो कोई नेता हो, डायरेक्ट अपना फ़ोन करा करते थे, काम उसी वक्त करते थे और तुरंत वापस जिसने जिसका काम था उनको वापस फ़ोन करके बताते थे कि ऐसे ऐसे करके आपका काम हो गया। उनकी अनगिनत बातें हैं और उन्होंने एक बहुत भारी छाप हमेशा के लिए हरियाणा की राजनीति पे छोड़ी। देखिए कि बहुत चौधरी सुरेंद्र सिंह जी जब आखिरी में जब उनके पास मंत्रालय आया, 20 दिन के लिए केवल मेरे ख्याल से मिनिस्टर थे, फिर उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और कृषि मंत्री थे वो, और उसी दौरान क्योंकि उनको किसान की पीड़ा वो जानते थे, उसी दौरान उन्होंने पूरा कंप्यूटराइजेशन लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स का किया। और बल्कि जब वो आ भी रहे थे हेलीकॉप्टर से, जो उनके कागज़ उनके जो छोटा सा बैग था उसमें प्रेस रिलीज थी और वो सब उसकी डिटेल्स लिखी हुई थी। फिर उसके बाद लोकसभा में भी ये बात उठाई गई और उसको फिर एक कानूनी रूप से उसको लाया गया। आज के दिन जो हम बहुत जो लैक करते हैं, और ये एक उनकी जो आखिरी स्पीच जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में उन्होंने जो दी थी, उन्होंने अपने शब्दों में बयान किया था कि किस प्रकार से वो चाहते थे कि रिसर्च इतना हो कि, क्योंकि हमारा इलाका एक ऐसा इलाका है और आने वाले टाइम पे चाहे वो कहीं भी हो, पानी की किल्लत वैसे आज भी है और आगे आगे जाकर और भी ज़्यादा होती जाएगी, तो किस प्रकार से उस बीज इस प्रकार से डेवलप हो कि जहाँ उसकी ज़बरदस्त उसकी खेती भी हो सके और पानी भी कम। आज चौधरी सुरेंद्र सिंह की पुण्यतिथि है और चौधरी सुरेंद्र सिंह जो है एक ऐसे नेता थे जो गरीब के मसीहा थे, जो युवा जवान जो बच्चे हैं उनकी दिलों की धड़कन थी। चौधरी सुरेंद्र सिंह ने जब कृषि मंत्री बने तो सबसे पहले भूमि को डिजिटल करवाया था और चौधरी सुरेंद्र सिंह कांग्रेस के साथ और इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी और संजय गांधी के बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं और उन्होंने हरियाणा में मुख्यमंत्री बनना था लेकिन भगवान ने ऐसा किया हमारे साथ, तो जो हमारा साथ छोड़ गए और चौधरी सुरेंद्र सिंह को हम सब याद करके अपने दिल में बड़ा दुख महसूस करते हैं। बाकी हम खुशी भी महसूस करते हैं कि उन्होंने हमेशा अपना जीवन हर वर्ग के लिए अपना जीवन लगाया और हर वर्ग की उन्होंने साथ दिया और समस्या को सुलझ दिया। चौधरी सुरेंद्र सिंह जी की पुण्यतिथि है, जैसा कि हमारे पूरे हरियाणा के लिए आज बहुत ही भावुक दिन है। आज ही के दिन इसी समय चौधरी सुरेंद्र सिंह जी का प्लेन क्रैश हुआ था जिससे पूरे हरियाणा को क्षति हुई थी और हमारा भिवानी तो सुरेंद्र सिंह जी को हमेशा दिन प्रतिदिन याद करता रहता है, क्योंकि उनकी यादें उनके द्वारा किया गया कार्य हर जगह में नजर आता है।
10 वर्षों तक सरकार में अपनी सेवाएं देने के बाद प्रदेश सरकार ने पीटीआई को बर्खास्त करके जनविरोधी होने का परिचय दिया है। बर्खास्त पीटीआई ने देश व प्रदेश के लिए ऐसे खिलाड़ी तैयार किए जिन्होंने देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय पटल तक चमकाने का काम किया है, लेकिन फिर भी उनकी मेहनत का फल प्रदेश सरकार ने उनके साथ धोखा कर दिया है। यह बात पूर्व सांसद श्रुति चौधरी ने स्थानीय लघु सचिवालय के समक्ष जारी बर्खास्त पीटीआई के धरने को संबोधित करते हुए कही। बता दें कि पूर्व सांसद श्रुति चौधरी वीरवार को बर्खास्त पीटीआई के धरने को समर्थन देने पहुंची थी। साथ ही उनके द्वारा पिछले काफी महीनों से चल रहे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को भी समर्थन दिया गया है। उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किए जाने की मांग भी की। बिल्कुल साथ खड़े हैं हमारी बहनों के साथ और उनका जायज जो मांग है वो पूर्ण करे सरकार। इतने दिन हो गए किरण चौधरी जी ने इस मुद्दे को लगातार विधानसभा में बहुत जोरों शोरों से उठाया भी है। देखिए सरकार पूर्ण रूप से एक फेल्ड सरकार है और किरण चौधरी जी ने अपनी तरफ से पूरा कोशिश करी कि सरकार जागे और अपने जो ये महिलाओं की जो प्रॉब्लम है अपनी जितनी भी जितने दिनों से बैठी हुई हैं ये हड़ताल पर कि उनकी मांगें पूरी हों। और जैसे आपने खुद कहा कि माइक भी बंद कर देते हैं, हर तरीके से हथकंडे अपनाते हैं, ये गलत बात। और किरण चौधरी जी ने इस बात को बहुत ज़ोरों शोरों से विधानसभा में रखी और उसी के बाद फिर ये सारी की सारी प्रदर्शन हुए और ये बार बार इस आवाज को उठाया, तब जाकर ये गिरफ्तारियां शुरू हुई। और अभी तो शुरू ही हुआ है, आगे जाके आप देखिएगा जब इतनी सारी ज़मीनों को बेच डाला, पता नहीं क्या क्या नहीं किया, इतनी पूरी भिवानी में हाहाकार मचा हुआ है, तो आगे बहुत कुछ और होना चाहिए। महंगाई बढ़ रही है और सरकार को इसमें इंडिपेंडेंट जांच करनी चाहिए। हमारी मांग तो भैया पिछली मांग है, हमारी कोई नई मांग नहीं है। 2018 में सीएम खट्टर पीएम मोदी ने हमारी मांग स्वीकार करी थी और देने की कही थी, वो आज तक हमारी नहीं मिली है हमारी को। उसकी वजह से हम धरना प्रदर्शन करे, 4 महीने हो गए हमारे को बैठे। हमारी 6 बार वार्ता भी हो चुकी है पर हमारी वार्ता सिरे नहीं चढ़ रही है। ठीक है, वही रणनीति हमारी है, हमारी मांगे पूरे नहीं होंगे तब तक हम धरना प्रदर्शन हमारे यहीं से उठेंगे नहीं। हमारी मांगे पूरी होंगी तभी उठेंगे, चाहे हमारे को कितना ही टाइम क्यों लगे, 2 साल 6 महीने 2 दिन कुछ भी लगे, हम यहाँ से उठेंगे नहीं। और अभी इस घोषणा कर रखी थी वही मांगे हमारी। क्या कहना, क्या नाम आपका? मेरा नाम उर्मिला है। उर्मिला जी, क्या अल्टीमेटम दिया सरकार? तो ये कह रही है कि भाई तुम दूसरे के बहकावे में बैठे हो, लेकिन हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हम ना किसी के बहकावे में बैठे, जबकि सीएम ने घोषणा करी थी 2018 में अग भाई कुशल अर्ध कुशल का दर्जा देंगे। फिर पीएम ने 2018 सितंबर में घोषणा करी थी बड़ी बड़ी टीवी स्क्रीन के आगे बिठा के ने अग भाई आपकी बार जगमग दिवाली मनेगी तुम्हारी बहनों की, तो 750 और 1500 पैसे की घोषणा की थी ना, हमारे को अब तक वो मिले, हमारी केवल वही पुरानी 2 मांग हैं। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ द्वारा प्रत्येक बूथ पर 50 महिलाओं को जोड़ने के दिए गए आदेशों के बाद आज पार्टी की महिला मोर्चा सदस्यों द्वारा यह अभियान शुरू किया गया। महिला मोर्चा सदस्यों द्वारा आज नया बाजार से इस अभियान की शुरुआत की गई। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री मीना परमार द्वारा वीरवार को नया बाजार में महिला सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई। वहीं बीजेपी की प्रदेश महामंत्री मीना परमार ने बताया कि पिछले दिनों बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने महिला मोर्चा को प्रत्येक बूथ पर 50-50 महिला सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य दिया था। उसी कड़ी में आज महिला मोर्चा के द्वारा प्रत्येक बूथ पर 50-50 महिलाओं को जोड़ने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है, जिसमें प्रत्येक बूथ पर 50 नई महिलाएं मतदाताओं को जोड़ा जाएगा, जिसमें पूरे प्रदेश में 2000 बूथों पर 50 महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि आज पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से महिलाओं को फायदा हो रहा है, तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, उज्ज्वला योजना, इस प्रकार की अनेक योजनाएं हैं जिससे महिलाओं को फायदा मिल रहा है, जिससे मोदी जी आम जनता और आम महिलाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं। उसी कड़ी में इस अभियान की शुरुआत भी की गई है। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में महिला मोर्चा की एक बैठक हुई थी सोनीपत में अभी 2 दिन पहले, और उस बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि महिला मोर्चा पूरे प्रदेश में हर बूथ पर 50-50 नए सदस्य भाजपा के साथ जोड़ेगा, जिसमें सारी महिला सदस्य ही होंगी। 50 हर बूथ पर हम 50 महिला सदस्यों को जोड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उनको दिलवाएंगे। इस तरह का अभियान पूरे हरियाणा प्रदेश में महिला मोर्चा चलाएगा और 15 तारीख तक ये अभियान चलेगा,
जिसमें हमारा ये प्रयास भी रहेगा कि हम नई जो मतदाता जो बहनें हैं जो बेटियां हैं उनको भी इस अभियान के माध्यम से भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाएं। देखिए लगभग 2000 बूथों पे जाने का लक्ष्य महिला मोर्चा का है, जिसमें हमने हर बूथ पे 2 कॉपियां हम फिल करेंगे। 1 कॉपी में 25 सदस्य हम लोग बना रहे हैं और 50 सदस्य का हमारा टारगेट रहेगा। और जहां तक योजनाओं की बात है, सरकार ने बहुत बेहतरीन काम किया है। केंद्र की बात करें, मोदी जी के नेतृत्व में महिला हितैषी योजनाएं लागू हुई है। इसी तरह से मनोहर जी के अगुवाई में हरियाणा प्रदेश का चहुमुखी विकास हुआ है। सरकार का ये प्रयास रहा है कि सरकार की योजनाएँ महिलाओं के लिए बनी है वो महिलाओं तक पहुंचे, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें, चाहे सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें या लाडली पेंशन योजना की बात करें। इसी तरह से जो मेधावी छात्र योजना है, जो बेटियों को जिसका लाभ मिले, इसका प्रयास सरकार कर रही है। पत्नी और सास द्वारा प्रताड़ित एक व्यक्ति द्वारा सुसाइड करने का सनसनीखेज मामला जिले में सामने आया है। गांव धनाना निवासी 44 वर्षीय युवक कुछ सालों से अपनी पत्नी और सास के साथ रह रहा था और बीती रात उसने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक से मिले सुसाइड नोट में उसने अपनी पत्नी और सास पर उसे प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि गांव धनाना निवासी 44 वर्षीय सुशील रोहतक जिले के मर्म कस्बे में कुछ साल से शीला नामक महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। फिलहाल सुशील व शीला ने मंदिर में शादी भी कर ली थी तब तथा अब सुशील अपनी पत्नी व सास के साथ रह रहा था, पर अचानक सुशील ने अपने गांव धनाना आकर बीती रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं मृतक सुशील के भाई शमशेर ने बताया कि सुशील के जेब में सुसाइड नोट मिला है, जिसमें हर रोज मोटी रकम मांगने से वह अपनी पत्नी व सास से परेशान था। वह मां बेटी उसे हर रोज तरह तरह से डराकर धमकी देती थी। शमशेर ने कहा कि कई बार उन्हें समझाया भी गया, लेकिन बार बार परेशानी से तंग आकर उसके भाई ने खुद ही सुसाइड कर लिया। वहीं मामले की जांच कर रहे पुलिस कर्मचारी राजपाल ने बताया कि सूचना पाकर वो मौके पर पहुंचे और शव सुसाइड नोट कब्जे में ले लिया। उन्होंने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और सुसाइड नोट व परिजनों की शिकायत के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। चौबीस साल की उम्र है और ये अभी मेरा आ गए थे। इसकी घरवाली शीला और इसकी सासू सन्नो देवी, ये हमारे खिलाफ उनका लीवन करा के थी। हमने इनका समझौता कर रहे थे 22-12 में, ये फिर भी भाई के ऊपर दबाव बना के फिर रहने लगे। हम लोग वहाँ चंडीगढ़ सारे भाई और ये भी इसकी सासूवारी थी और इसकी घरवाली थी। इन्हें इसके साथ झगड़ा झगड़ा किया होगा, फिर इसने बस ये कदम उठा लिया और सुसाइड नोट छोड़ दिया। उसे पता चलिया उन्होंने दबाव बना रखा था और प्रॉपर्टी के बारे में भी और पैसे के बारे में भी भाई ने लिखा था उसमें। उसमें भी मेरे को तंग करते हैं, पैसे मांगती है, कहती है मेरे को आगे दला दे और नहीं तो मैं तुम्हारे सामने जेल में डलवा दूंगी। पूरा परिवार को मतलब दादा तक इसने धमकी दे रखी है इसकी घर वाले। मांग तो बस ये भाई जमीन ज़्यादा तो वो दुआ दे आके दुआ दे और जो पैसे हैं तेरे वो पैसे दुआ दे हमने। ये घटना गाँव धनाना की है जी। ये था जी सुशील स्नोप राम सिंह, हमने सूचना मिली कि अपने घर में फांसी लगा के आत्महत्या कर ली, जो इसके भाई शमशेर के बयान पर मुकदमा दर्ज किया गया 336 IPC का। इसकी घरवाली पर इसकी सुशीली सासू के खिलाफ इसकी कोई से सुसाइड नोट मिला वो तो जी पूरा तो यार नहीं उसमें इश्तिया इन खिलाफ लिखा वो इन तीनों मजबूर कर रखा था। दो YouTube चैनल्स द्वारा BMS डॉक्टर को बदनाम करने, भ्रामक प्रसारण और तथ्यहीन खबरें चलाने के विरोध में आज नीमा सदस्य शहर में जोरदार नारेबाजी करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे। नीमा सदस्य ने डॉक्टर दंपत्ति पर की गई शिकायतें वापस लेने और गलत प्रसारण करने वाले यूट्यूबर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वीरवार को नीमा के कार्यकर्ताओं सहित डॉक्टर अंचल, उनके परिवारजन व क्षेत्रवासी भिवानी में दो YouTube चैनल द्वारा भ्रामक प्रसारण कर तथ्यहीन खबरें चलाकर BAMS डॉक्टरों को बदनाम कर परेशान करने व जातीय जहर फैलाने को लेकर स्थानीय लघु सचिवालय पहुंचे। वे प्रदर्शन करते हुए उन पर उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की। इस अवसर पर नीमा के सदस्यों ने मांग की है कि अंचल नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर दंपति पर बिना वजह की गई प्राथमिकी रद्द की जाए तथा अस्पताल पर जाकर महिला डॉक्टर के साथ छेड़छाड़, बेइज्जती करने, अनावश्यक झगड़ा करने तथा जातिगत विद्वेष पैदा करने व बिना कारण अस्पताल को बदनाम करने वाले लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए तथा तुरंत प्रभाव से कार्रवाई कर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए ताकि डॉक्टर्स भयमुक्त होकर मरीजों की सेवा कर सकें। मैं ये कह रहा हूँ सर, ये जो कथित यूट्यूबर और दो जो असामाजिक तत्व हैं बृजपाल परमार और कारू ठाकर, इन लोगों ने
जो सड़क पे जो कोर्ट लगाने की कोशिश की, सड़क पे जो मेरे और मेरे परिवार को और मेरे हड़ताल को बदनाम करने की कोशिश की, मेरे लोगों को जब रोका तो इनको इन्होंने मैडम को और हमारे परिवार को लोगों को भद्दी भद्दी गाड़ियाँ बकी, इस तरह से व्यवहार किया कि मैं आपको आज बख्यान नहीं कर सकता, हाथापाई पे उतारू हो गए, ठीक है, इस तरह से व्याख्यान करने लगे कि हम ये सड़क पे ही जज बन गए, हाई कोर्ट के झूठे आदेश दिखाने लग गए। जब इनका प्रतिरोध करते हैं तो बार बार हमें धमकाया जाता है, इस तरह से वो कथित यूट्यूबर मेरे अस्पताल के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, मरीजों को मेरे स्टाफ को सबको फप्तियाँ कसते रहते हैं कि तेरे डॉक्टर को तेरी डॉक्टरनी को देख लेंगे, इस अवैध बिल्डिंग को गिरा देंगे। और कौन सी अवैध बिल्डिंग, जब एक मामला कोर्ट में चल रहा है तो कोर्ट में सबको मान्य होगा, ये लोग कोर्ट से भी ऊपर हो गया प्रिंसिपल परमार कानून। इससे मैं ये फील करने आया हूँ कि तथाकथित जो गुंडे हैं, जो दो बंदे हैं सामाजिक तत्व हैं ब्रिजपाल परमार और कारू ठाकर, और तथाकथित ये जो यूट्यूबर दो दो चैनल के हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, जिन्होंने गलत संदेश प्रचारित किए हैं। आप नाम जो नहीं लेना चाहते, वो आपका नाम ले लेके आपका बोर्ड दिखा रहे हैं। हम आज भी ये लोग इस तरह के जो लोग हैं, जो अपने आप को रवीश कुमार के चेले बताते हैं, अपने आप को जो तथाकथित इस तरह से लोग हैं जो मंडियों में पहले आलू प्याज बेचते थे, आज वो क्वालिफाइड डॉक्टरों के बारे में ये कहते हैं कि ये डिग्री होल्डर नहीं है, और वकीलों के बारे में ये कहते हैं कि इस तरह से गलत संदेश प्रचारित करते हैं। उसके संदेशों को रोका जाए, उनके चैनलों को बंद किया जाए, क्योंकि ये जो चेहरे जातीय दंगे भड़काने में और इस तरह से माहौल खराब करने में इन दोनों यूट्यूबरों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं प्रशासन से, DC साहब से, SP साहब से अपील करूँगा कि इन दोनों यूट्यूबरों को जल्दी जल्दी बैन किया जाए और इन दोनों को तुरंत। भिवानी बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में कुछ समाज तथाकथित समाज सेवी नगर परिषद में हुए घोटाले को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, हम उनकी तहे दिल से स्वागत करते हैं, लेकिन उसकी आड़ में जो ये एक्सटोर्शन का खेल रहे हैं, जो एक पढ़े लिखे डॉक्टर को बदनाम कर रहे हैं, जो उसको नियम हकीम कह रहे हैं, कंपाउंडर कह रहे हैं, और बार बार जाके उसके नर्सिंग होम के इधर इधर उधर घूमकर हमारे साथी को परेशान कर रहे हैं, उसके लिए नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन भिवानी जिला शाखा घोर निंदा करती है। वह प्रशासन से मांग करती है इस तरह के अराजक तत्वों को तुरंत गिरफ्तार करें और झूठी अफवाहों फैलाने वाले को इनको गिरफ्तार करें, क्योंकि नेशनल कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एक्ट के तहत अगर BMS डॉक्टर को कोई झोला छाप या क्वैक कहेगा तो उसके अंदर सजा का प्रावधान है। उस एक्ट को लागू करते हुए जिला प्रशासन तुरंत ब्लैकमेल के चक्कर में जो हमारे ग्रेजुएट्स को बदनाम करने की कोशिश की है उसके प्रति रोष प्रकट करने के लिए नीमा के सभी पदाधिकारी व सदस्य यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इन लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर को दत्ता बता के ऐसा तमाशा क्रिएट कर दिया। हमारे साथ पिछले 5 साल से हमारे पीछे पड़े हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, तुम अपने घर बैठ के कोई भी समाचार तैयार करो, तुम हमारे लिए व्हाट्सएप पे फैलाते हो, यूट्यूबर्स इकट्ठे कर रखे हैं, दो दो लड़के खड़े हो जाते हैं और कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं, हमने कुछ नहीं कहा। अब इस बार ये हमारे अस्पताल में घुसाए, इतना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आगे के लिए भी नहीं किया जाएगा। निकलते घुसते हर टाइम घूरना, हर टाइम ड्रोन तक से मेरे घर का वीडियो लिया गया है, ऊपर से उसकी कंप्लेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है कि ड्रोन से मेरे घर की फ़ोटोज़ ली गई, ये बताने के लिए कि हमने कितना कवर कर रखा है। तो क्या किसी की प्राइवेट प्रेमिसेस पे ड्रोन अवैध रूप से घुमाना ठीक है क्या? उसके बावजूद यहाँ कभी हम निकलते घुसते हम इतनी बार दिखता है, यूट्यूबर्स के साथ हमारी उंगलियाँ करके इशारा करता है, ये है वो जो अबॉर्शन करती है, ये है वो जो डॉक्टरनी भी नहीं है इसके पास। अगर हमारी डिग्री पे तुम्हें डाउट है कंप्लेंट करो, CMO ऑफिस में जाओ, लेकिन ये समझता ही नहीं ना किसी को। बाकायदा कहता है कोई इसके पानी भर रहा है, कोई इससे कमीशन खा रहा है, कोई इससे पैसा खा रहा है। क्या प्रशासन आँख पे पट्टी बांध के बैठा है कि कोई भी आदमी, दो कौड़ी का आदमी, मैं तो कहती हूँ किसी भी यूट्यूबर को खड़ा करके और प्रशासन को सरेआम गालियाँ दे रहा है? अरे अगर आपको लगता है कोर्ट ने कुछ ऑर्डर दिया है प्रशासन लागू करेगा, प्रशासन से नहीं होता तो प्रशासन के सामने बैठ के यहाँ मुर्दाबाद के तुम लगाओ नारे, कराओ वो। अरे तुम तो प्रशासन को कह रहे हो कि बिका हुआ है हमसे, कमीशन खा रहा है हमसे, शर्म करो थोड़ी बहुत, किसी चीज़ को तो मनाओ, लॉ एंड ऑर्डर को। तू कहता है कि मैं कोर्ट को मानता हूँ तो फिर तसल्ली से जा। अरे ये तो 20 साल से कमाने लग गया था, है ना, ये देवर मेरा तो 20 साल से कमा रहा था। कोर्ट में आप कह रहे हो हमारा फैसला लंबित है, हम राजी हैं, फैसला जो कोर्ट देगा मैं तैयार हूँ, जिस दिन कहेगा हम खाली कर देंगे, लेकिन उससे पहले मेरे अस्पताल के बाहर कोर्ट बिठा के अगर ये वहाँ फैसले करते हैं कतई गवारा नहीं होगा। गली को पक्का कराने की मांग लेकर भवानी खेड़ा की पार्षद व कई दर्जन ग्रामीणों ने नगर पालिका कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नगर पालिका अधिकारी और प्रधान पर उनकी मांगों की अनदेखी करने के आरोप भी लगाए।
गौरतलब है कि वीरवार को बवानी खेड़ा में पार्षद और ग्रामीणों द्वारा नगरपालिका सचिव और प्रधान के कार्यालय के सामने धरना दिया गया तथा गलियों को पक्का करने की मांग भी की गई। वहीं नगरपालिका बवानी खेड़ा के वार्ड नंबर 4 से पार्षद मीना चोपड़ा ने बताया कि वे पिछले काफी समय से 3 वार्डों को जोड़ने वाली गली को पक्का करने की मांग कर रही है, लेकिन नगरपालिका सचिव और नगरपालिका प्रधान इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि नगरपालिका सचिव और नगरपालिका प्रधान के कार्यालय के सामने वार्डवासियों को धरना देना उनकी मजबूरी थी। उन्होंने कहा कि जब तक उनके गली को पक्का करने की मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक वे इसी तरह संघर्ष करते रहेंगे। वहीं नगरपालिका प्रधान ओमवीर यादव ने कहा कि गली को पक्का करने की मांग को लेकर पार्षद मीना चोपड़ा समेत कई ग्रामीणों से मिले थे तथा उन्होंने आश्वासन दिया है कि 10 दिन में उनके गली निर्माण का कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। इसी आश्वासन के बाद पार्षद मीना चोपड़ा और ग्रामीणों ने धरना खत्म भी किया। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या गलियों के निर्माण और कस्बे के विकास के लिए पार्षदों में कस्बा वासियों को नगरपालिका कार्यालय में धरना व प्रदर्शन करना पड़ेगा या नगरपालिका प्रशासन अपने कुंभकर्ण की नींद तोड़कर समान रूप से कस्बे में विकास करते हुए गलियों का निर्माण करवाएगा। मैं यहाँ एमसी जब बनी थी पूरे भवानी खेड़ा ने मेरा साथ दिया था और मेरे वार्ड के सभी लोगों ने मुझे पूरा सपोर्ट पूरे दिल से मुझे बनाया था। इसलिए बनाया था कि उनके कई सालों से काम रुके हुए थे, सड़कों की जगह सड़कें नहीं थी, नालियों की जगह नाली नहीं थी और ना ही कोई लाइटें थी, अंधेरे में जी रहे थे। उन लोगों ने मेरे को पूरी उम्मीद रख के एक आशा से बनाया कि अब हमारे काम पूरे हो जाएंगे। मेरा दुर्भाग्य है नहीं 2 साल से नहीं बन रही, कोई भी काम नहीं हो रही। कोई भी जितने भी एमसी है ऑफिस में आते हैं, चाय पीजे है, बिस्कुट भुजिया खा कर अपने चले जाते हैं, मीटिंगें होती हैं, चाय बिस्कुट भुजिया जहाँ तक कि पिज्जा पार्टी भी होती है। मैंने 1 मार्च 2020 को चुन के आई थी, आज तक मैंने नगर पालिका का चाय पानी पिज्जा तो दूर जल तक त्याग रखा है जब तक मेरे वार्ड के काम नहीं होंगे। और मैं यहाँ एक मकसद से बैठी हूँ, आज यहाँ एक गली है, सड़क है, जिसके बड़े दुर्भाग्य के बाद जिस सड़क के 3 MC होते हुए भी उस सड़क का निर्माण नहीं हो रहा। मैं ये चाहती हूँ या तो पूरी सड़क का निर्माण हो, अगर उसका पूरी का निर्माण ना हो तो मुझे नहीं पता मेरा चिक्कड़ मिटाया जाए, मेरे जो टुकड़ा है उसको बनाया जाए। क्या मांगने के मिले थे? ये आपकी सड़कों को बनवाना चाहते हैं जी, इनकी सड़क पर बहुत कीचड़ होया हुआ है जी, लेकिन हम तो बनवाना चाहते हैं जी, सरकार मना कर दिया है जी। क्यों क्यों बता रही है? ये बजट आता है, उनका हिसाब किताब नहीं देते जी, ये कहते हैं बजट आया है नहीं है। आश्वासन दिया है आपने? हमने आश्वासन दिया है कि जी इनकी सड़क जल्दी से जल्दी बननी शुरू होगी। कितने दिन का टाइम है? 10 दिन। गुरुवार को बुआनीखेड़ा के रेलवे स्टेशन अधीक्षक के खिलाफ लाखों की राशि के गबन का मामला सामने आया है। स्टेशन अधीक्षक के खिलाफ स्टेशन मास्टर द्वारा ही जीआरपी भिवानी को शिकायत दी गई है। वहीं उसके बाद से स्टेशन अधीक्षक भी ड्यूटी से गायब चल रहे। आपको बता दें कि बवानीखेड़ा की रेलवे स्टेशन अधीक्षक के खिलाफ 1,10,000 के गबन का मामला सामने आया है। स्टेशन अधीक्षक के खिलाफ स्टेशन मास्टर के द्वारा जीआरपी पुलिस भिवानी को लिखित में शिकायत दी गई है, जिसमें बताया गया है कि स्टेशन अधीक्षक ने 28 मार्च के बाद रेलवे टिकटों की राशि रेलवे को जमा नहीं करवाई और उसके बाद से ही स्टेशन अधीक्षक ड्यूटी से नदारद चल रहे हैं। वहीं जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर धर्मवीर ने बताया कि स्टेशन मास्टर के द्वारा 1,10,000 की राशि को लेकर स्टेशन मास्टर ने स्टेशन अधीक्षक के खिलाफ उन्हें शिकायत दी है तथा 1,10,000 की राशि स्टेशन अधीक्षक द्वारा जमा नहीं करवाने को लेकर गबन का मामला बनता है, जिसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। स्टेशन मास्टर भिवानी की तरफ से सूचना मिली थी कि बुआनीखेड़ा स्टेशन अधीक्षक 3-4 दिन से सरकारी कैश लेकर के गायब हैं, जिसकी तस्दीक हालात के लिए बुआनीखेड़ा स्टेशन मास्टर के पास आके मैंने स्टेशन मास्टर से पता चला है कि वो सरकारी कैश लेकर के नहीं अपनी मर्जी से भागे हुए हैं, जिसके संबंध में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और उसकी तलाश के सरकारी कैश की बरामदगी की जाएगी और मुकदमा आगामी कार्रवाई में लगाई जाएगी। लगभग कितना कैश बताया जा सकता है? आंकड़ों के आधार पर 1,10,963 रुपये का मामला। कितने दिन से गायब है?
28 तारीख शाम तक उनकी ड्यूटी थी और 29 तारीख का उनका रेस्ट था और जिन्होंने आज ड्यूटी पर आया था अभी तक वो ड्यूटी पर नहीं पहुंच पाए। अब क्या कार्रवाई की जा रही है? उनके खिलाफ सरकारी कैद लेकर भागने के संबंध में मामला दर्ज किया जा रहा है। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत, बने रहिए भिवानी हलचल के साथ। गांव खरक के नरेंद्र के पास मौजूद मुर्रा नस्ल के झोटे ने 2022 कृषि मेला भिवानी में कमाया नाम। आपको बता दें कि गांव खरक के नरेंद्र के पास मुर्रा नस्ल का 2.5 बरस का एक छोटा जो चर्चा का विषय है, जिसने 2022 के पशु मेले में 12वां स्थान हासिल किया था। नरेंद्र ने बताया कि इसकी उम्र कम होने की वजह से यह नंबर 1 से पीछे रह गया। भविष्य में यह नंबर 1 का झोटा होगा। यह आसपास के इलाके के मुर्रा नस्ल का बढ़िया झोटा है। झोटे के मालिक ने बताया कि कोई इस झोटे को खरीदना चाहता है तो संपर्क करें गांव खरक के नरेंद्र कुमार से। संपर्क सूत्र 7357276407 व 9896491508।